तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक कंप्लीट मॉनिटर की बात करेंगे। जो मॉनिटर आप चाहे तो स्टेज में यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा किसी काम में भी यूज़ कर सकते हो। और ये मॉनिटर JBL मॉडल में होने वाला है, एक 400 वाट का मॉनिटर। ठीक है, 400 वाट का एक स्पीकर रहेगा, साथ में एक HF रहेगा इस मॉनिटर के अंदर। तो एक एक चीज़ का प्राइस मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ में एक एम्पलीफायर भी बताऊँगा। दो मॉनिटर को चलाने के लिए अच्छा खासा एम्पलीफायर, पूरा सेटअप, प्राइस के साथ इस वीडियो में डिटेल्स के साथ बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं कौन सा मॉडल आपको लेना है मॉनिटर का। ठीक है, तो JBL का 715 मॉडल आप ले सकते हो, JBL SRX 715 मॉडल। इस मॉडल के कैबिनेट के अंदर एक 15 इंच के स्पीकर और एक HF ड्राइवर लगता है। ठीक है, तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हो, JBL का SRX 715 मॉडल। और इस मॉडल के मॉनिटर को आप ऑन स्टेज भी यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरा किसी काम में भी यूज़ कर सकते हो। दोनों जगह पर ही काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको मिलता है। और बात करूँ अगर यहाँ पर इस कैबिनेट के प्राइस, तो अप्रोक्स ये कैबिनेट आपको लगभग 6000 से 7000 में मिल जाएगा। पेयर 7000 में आपको दो कैबिनेट मिल जाएंगे काफ़ी आराम से और अच्छा क्वालिटी का ही। और चलिए अभी मैं आपको स्पीकर भी बताता हूँ। तो स्पीकर आपको कौन सा लेना है, स्पीकर आपको लेना है आउजा का L15MB400। ये स्पीकर आप ले सकते हो। और स्पीकर के अंदर आपको 3 इंची का वॉइस कॉल मिलता है, साथ ही साथ ये स्पीकर 400 वाट RMS पावर का स्पीकर है। पूरा स्पेसिफिकेशन आपको मैं राइट साइड में दिए देता हूँ, आप लोग यहाँ से ही देख सकते हो। और बात करूँ अगर इस स्पीकर के अप्रॉक्स प्राइस, तो एक एक स्पीकर लगभग आपको 6000 में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर दो मॉनिटर बनाने के लिए दो स्पीकर चाहिए होगा, तो दो स्पीकर के लिए आपको 12000 रुपये लग जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर अगर HF की, तो HF आप कौन सा लेंगे। HF आप यहाँ पर आउजा का ले सकते हैं या फिर प्योरियो का ले सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। 450 HF लेना है आपको, 80 वाट का HF आपको लेना है। ठीक है, तो लगभग प्राइस की अगर बात करूँ तो लगभग आपको एक एक पीस 3000 रुपये करके पड़ जाएगा। दो HF का प्राइस लगभग आपको 6000 रुपये लग जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी लेना है, जो कि HF का नेटवर्क बोर्ड, जो कि 450 HF का नेटवर्क बोर्ड होगा, उसका भी प्राइस लगभग आपका 1000 रुपये करके पड़ जाएगा। दो पीस आपको ले लेना है, 2000 रुपये यहाँ पर भी आपका लग जाएगा। तो आपका दो मॉनिटर रेडी होने के बाद आपको चाहिए होगा एक एम्पलीफायर आपके दो मॉनिटर को चलाने के लिए। तो आपका एक एक मॉनिटर लगभग 480 वाट का हो जाएगा। तो ऐसा दो मॉनिटर को चलाने के लिए आपको एक एम्पलीफायर की ज़रूरत होगा, जो कि यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा इन दो मॉनिटर के लिए। कम पैसों में बेस्ट एम्पलीफायर स्टेंजर का PBT 501 एम्पलीफायर, आप ये वाला एम्पलीफायर ले लीजिएगा। बात करो अगर यहाँ पर इस एम्पलीफायर के अप्रोक्स प्राइस की, तो लगभग 5500 रुपये करके अभी का प्राइस चल रहा है मार्केट में। तो आप ये वाला एम्पलीफायर ले सकते हो। फोरम्स पर और कॉमन में आपको कनेक्शन कर देना है दो यहाँ पर मॉनिटर को, पैरेलल में कनेक्शन कर लेना है और फोरम्स और कॉमन पर कनेक्शन कर देना है, जो एकदम परफेक्ट कनेक्शन होगा और आपका दो मॉनिटर काफ़ी अच्छे से इस एम्पलीफायर में चल जाएगा। तो अभी बात करें अगर यहाँ पर टोटल में प्राइस कितना आ गया है, तो कैबिनेट का प्राइस हो गया था 7000 रुपये, स्पीकर्स का प्राइस था 12000 रुपये, HF का प्राइस 6000 रुपये, नेटवर्क का प्राइस 2000 रुपये, साथ में यहाँ पर एम्पलीफायर का प्राइस 15500 रुपये। टोटल में प्राइस आ गया है 42500 रुपये। तो आपका ये सेटअप सिंगल 15 मॉनिटर का सेटअप का प्राइस आ गया है 42500 रुपये। इस प्राइस में आपका दो मॉनिटर विथ एम्पलीफायर के साथ आपका सेटअप रेडी हो जाएगा, क्योंकि एक मिनी सेटअप होगा। इस सेटअप को, मतलब ये जो मॉनिटर होगा, इस मॉनिटर को आप स्टेज में भी चला सकते हो, दूसरा कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम में चला सकते हो, दूसरा कोई भी बर्थडे पार्टी या फिर दूसरा छोटे मोटे इन हॉल कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ पर आप चला सकते हो ये छोटा मिनी सेटअप को। ठीक है, और इसके साथ आप चाहे तो एक मिक्सर भी ले सकते हो, 4-5000 में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज का भी ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।